व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे कुदरत का प्रैंक। पाकिस्तान एलिमिनेटेड, इंग्लैंड क्वालिफाइड। मस्त मजेदार मीम्स होंगे। पाहुल वालिया भाई की वीडियो है चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। 1 2 3 गो। किंग कर लेगा, ओ किंग कर लेगा, कराची की फ्लाइट है बुक। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब हम फाइनली ये जोक मार सकते हैं दैट पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली क्वालिफाइड फॉर द कराची एयरपोर्ट। लेकिन भाईजान ये एलिमिनेट कैसे हो सकते हैं, इनके पास तो बॉब्जी द किंग है और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालने वाले बॉलर्स। किंग कर लेगा, बॉबी कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा, कर लिया, कर दिया, हम सबको एक साथ कर रहा है वो 4-5 साल से। हाँ ठीक है भाई, पता है अपना इंडिया वर्सेस कनाडा का मैच वॉश आउट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वीडियो नहीं आएगी। अरे इतनी बड़ी ओकेजन है यार, पड़ोसियों के घर वापसी हो रही है, वीडियो तो बनाना बनता था। बिकॉज कुदरत का निजाम इजंट निजामिंग एनीमोर, उल्टा कुदरत ने ही प्रैंक कर दिया है इस बार। मैच था यूएसए और आयरलैंड का, मैच तो हुआ नहीं पर पाकिस्तान और बाहर हो गई। बहुत बुरा हुआ ब्रो, बहुत बुरा हुआ। लास्ट ईयर तो फाइनल खेले थे, इस बार सुपर एट्स में भी नहीं आ पाए, और वो भी तब भाई जब हमारे ग्रुप में आयरलैंड, कनाडा और यूएसए जैसी टीम्स थी। सब देख के बोल रहे थे शुरू से कि ये तो सबसे आसान ग्रुप है, इंडिया और पाकिस्तान ही निकलने वाली है इस ग्रुप से। बेचारे आईसीसी का सोचो यार, जिन्होंने इन दोनों को इतना दिमाग लगा के एक इजी ग्रुप में डाला, लेकिन पाकिस्तान यहां भी फेल हो गई। बारिश के साथ साथ उन बेचारों के भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सेमीफाइनल के रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी के सपने बह गए। हर बार कैच ड्रॉप्स की वजह से बाहर होते हैं, इस बार रेन ड्रॉप्स की वजह से बाहर हो गए। यार फिर वही कुदरत का निजाम धोखा दे गया। कुदरत का निजाम टुडे। पाकिस्तान तेरा क्या है भाई? नहीं कुछ नहीं, तो निकलो। अच्छा सेठ जी, और कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम होगा? बोलूंगा बोलूंगा भाई, बोलूंगा, याद है मुझे। निकलो निकलो। यूएस और इंडिया मस्त। रोज उठो, नहाओ, हगो, सो जाओ। किंग को और क्या ही काम हो सकता है, बॉब्स इज द रियल किंग मैन। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। आजम खान विल नॉट ट्रैवल विद द टीम बैक टू पाकिस्तान एज ही इज येट टू एक्सप्लोर द रेस्टोरेंट्स। ओ भाई, ओ भाई, कैंसिल करवाएगा। जैसी टीम है, इन हरामियों ने बारिश देखकर आजम खान को पकौड़े समोसे लाने भेज दिया होगा। क्या मतलब आते हैं तो उसने खत्म भी कर दिया। ये बढ़िया था लास्ट वाला। देखो भाई, बाहर तो ये उसी दिन हो गए थे जब इन्होंने बुमराह को फेस किया था। ब्रोज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दिस। वैसे सौरभ नेत्रवलकर भाई के लिए एक मैसेज है कि अगर रोहित और विराट की विकेट लेने के बाद जितनी पार्टीज देनी थी अपने दोस्तों को वो दे दी है, तो अपनी छुट्टी भी एक्सटेंड करवा लो, क्योंकि इस ग्रुप से इंडिया के साथ साथ यूएसए भी क्वालिफाई हो चुकी है सुपर एट्स के लिए, विच इज हिस्टोरिक। मतलब सोचो क्या अचीवमेंट है यार, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर्स कुछ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स से ज्यादा बेटर खेल गए इस टूर्नामेंट में। अब इतना तो पता है कि आगे इनके लिए सुपर एट्स में मैचेस एक्चुअली डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ अच्छी टीम्स ही रहने वाली है। पाकिस्तान जैसे मिनो टीम्स को बार बार बैश करने को नहीं मिलेगा यूएसए को, तो शायद इनके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन फिर भी ये यहाँ तक पहुंच गए यूएसए में क्रिकेट के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। एरन जोन्स और सौरभ नेत्रवलकर जैसे प्लेयर्स स्टैंड आउट रहे हैं टीम्स के लिए और फुल एफर्ट दिया है उनको इतनी आगे लाने में। लिटरली सौरभ नेत्रवलकर तुम्हें पता है एक इंजीनियर है और अपना लैपटॉप लेके घूमता है यार, ये खेल के बीच में काम नहीं बल्कि काम करते करते बीच में थोड़ा बहुत खेल लेता है क्रिकेट। और इन्हें देखिए जरा, खेलने के तो पैसे मिलते ही है, उसके बाद फैंस से भी अलग ले लेते हैं, फिर भी ऐसा क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है असली मीम, कैरिंग इंडिया, कैरिंग यूएसए, कैरिंग ऑस्ट्रेलिया, कैरिंग पाकिस्तान। इसी मीम की वेट रहती है एवरी ईयर। मैं तो कह रहा हूँ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल तभी शुरू हो गया था जब उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी थी। मतलब अब तो यार वो बेटे वाले जोक्स बनाने में भी शर्म सी आ रही है। हमने पैदा नहीं किया तुम्हें, गलती से आ गया तू, गलती से। इनसे अच्छा पड़ोसी तो नेपाल ही यार, कम से कम साउथ अफ्रीका को एक अच्छी फाइट तो दे दी, उनको एक आसान सा मैच जीतने के लिए भी इतनी मजदूरी करवा दी, बताओ। और फिर भी बैरली एक रन से जीत पाई है साउथ अफ्रीका। इससे पहले बांग्लादेश से भी ये 4 रन से जीते, वो अलग ही कॉन्ट्रोवर्सी होगी थी, वहां पे तो लोग क्लेम कर रहे थे मैच भी नहीं जीते। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सुपर एट्स अभी शुरू भी नहीं हो और ये ऑलरेडी चोक करने लग गए। बट ट्रूली यार, नेपाल की टीम यंगेस्ट टीम है इस वर्ल्ड कप की, सिर्फ एक प्लेयर आई थिंक 30s में अपने इस समय। इतना इनएक्सपीरियंस होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी और एक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट इतना क्लोज एक मैच ले आना, ये छोटी बात नहीं है। इन्होंने पोटेंशियल जरूर दिखाया, जिसका मतलब ये कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये अपना क्रिकेट इंप्रूव ही करने वाले हैं। एंड स्पेशली जब तुम्हारे फैंस ऐसे हो जो तुम्हें चांद तक सपोर्ट करने मैच देखने आ जाएंगे। एंड चलो नेपाल छोड़ो भाई, अफगानिस्तान तो क्वालिफाई कर गई। किसने सोचा होगा कि ग्रुप सी में से न्यूजीलैंड नहीं आ पाएगी और वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान आ जाएगी। जबकि शुरू में जब मैं भी वीडियो बना रहा था तब ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड तो आ ही जाएगी, चॉइस होगी वेस्ट इंडीज या अफगानिस्तान में।
से, बट इन दोनों ने स्पेशली अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेल के न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को नॉकआउट कर दिया है। पिछले एक साल से ये लोग हिस्ट्री क्रिएट करने में लगे हुए हैं। पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में ये लोग इतना आगे तक आ गए थे और अब टी20 वर्ल्ड कप में भी जलवा दिखा रहे हैं। अगर तुम स्कोर कार्ड देखोगे ना, ये सारे मैचेस काफी कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं। न्यूजीलैंड को 84 रन से हराया है, युगांडा को 125 रन से हराया और क्वालिफाई होने वाला मैच पीएनजी 7 विकेटों से जीत गए। भाई इतना डोमिनेट करके जीत रहे हो अफगानिस्तान हो या इंडियन टीम इन वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेजेस। आई मीन ठीक है, ये एक तरह से अभी तक का सबसे बोरिंग वर्ल्ड कप बोला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पिचेस, एक्साइटमेंट एंड हाई स्कोर्स। लेकिन मैंने ये देख लिया कि ऐसी लो स्कोरिंग बोलिंग पिचेस की वजह से ही ये एसोसिएट नेशंस और कुछ ऐसी टीम्स जो उतनी स्ट्रांग शायद ना हो ऑन पेपर, वो भी अच्छा क्रिकेट खेल पा रही है और बड़े बड़े अपसेट्स कर रही है। मतलब ऐसे टूर्नामेंट में सबको चांस मिल गया अपना फुल पोटेंशियल दिखाने का। श्योरली भाई देखो, क्रिकेट इज इवॉल्विंग टी20s की वजह से। एंड क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर अगले 4, 5 या 7-8 सालों में हम अफगानिस्तान या यूएसए जैसी टीम्स को फाइनल खेलता हुआ देख सकते हैं, या चलो फाइनल तक ना पहुंचे लेकिन सेमीज में अच्छी फाइट देता हुआ तो देख ही पाएंगे। अफगानिस्तान तो ऑलरेडी अप फॉर द चैलेंज है, क्योंकि इतना तो है कि ऐसे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के रिजल्ट्स काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं, एकदम आजकल के एग्जाम्स की तरह। नहीं, बस फर्क इतना है कि क्रिकेट में एक्चुअली शायद टीम्स मेहनत करके आगे बढ़ पा रही है। वैसे ये हफ्ता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफी टीम्स एलिमिनेट हो गई और काफी टीम्स क्वालिफाई हुई है, और जो भी टॉप मोमेंट्स हुए उन सबको मैंने कवर करा है एक रील में, जो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मिल जाएगी, तो जाके देख लेना, थोड़ी शेयर भी कर देना और कॉमेंट्स कर देना अगर अच्छी लगे तो। अभी देखो, अपनी इंडिया का मैच वॉश आउट होने वाला था, ये हम सबको शायद पहले से पता था क्योंकि फ्लोरिडा में काफी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। लेकिन जब मैच एक्चुअली कॉल ऑफ किया गया और ड्रेसिंग रूम में खबर पहुंचाई गई तो अर्शदीप पाजी काफी खुश दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सूर्या भाई पता नहीं क्यों सैड थे। अभी और जो कहां से लाओ भाई, जब मैच हुआ ही नहीं तो ये जोक तो बना सकते यार। इसके लिए मुझे सूर्या हेटर मत बोलने लग जा रहा। किरण बन जाते मेरे। लास्ट टाइम देयर वाज एन अबैंडन्ड मैच फॉर इंडिया इन टी20 वर्ल्ड कप, दे वन द वर्ल्ड कप। अब ऐसे कनेक्ट करके जीते हम, यही झूठी उम्मीदें नहीं चाहिए मुझे। यही चीजें पढ़ पढ़ के ना फिर बन जाता है मन में कि 10 मैच लगातार जीत गए हैं, कभी हारे नहीं है ओरियो। इन्हीं सब चीजों की वजह से जब फिर 10 विकेटों से हारते हैं ना तो बुरा और लगता है। अपनी इंडियन टीम से न्यूज ये है कि शुभमन गिल एंड आवेश खान हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम द स्क्वाड, यानी दोनों को रोहित भाई ने परमिशन दे दी है कि यूएसए में जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। अब सिर्फ सुपर एट्स के लिए रिंकू सिंह टीम के साथ ट्रैवल करेंगे एंड इसका रीजन यही है कि वो शिवम दुबे का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, यानी लेफ्ट हैंड बैटर है। इवन दो बॉलिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते रिंकू सिंह से, लेकिन शिवम दुबे भी कोई खास बॉलिंग कर नहीं रहा है, तो हो सकता है जरूरत पड़े तो इंडिया शिवम दुबे को बैक स्पैज़म करके रिंकू को ला सकती है। और देखो, पेसर्स की ऐसा जरूरत नहीं लग रही है, वेस्ट इंडीज में तो और कम जरूरत पड़ने वाली है और अपने पास तीनों पेसर्स अच्छे बैठे हुए हैं। ओपनिंग में ऑलरेडी जयसवाल भी अभी बेचारा बेंच में बैठा है, तो शुभमन गिल को तो कभी चांस मिलेगा। सुपर एट्स के लिए अपनी 7 टीम्स क्वालिफाई हो चुकी है, थाला फॉर अ रीजन, जिसमें है इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान। वैसे तो देखो, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय रात के 5 बज रहे हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का मैच सुबह होना है, बट मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगी और इंग्लैंड ही क्वालिफाई होगी। अनलेस ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ पीक स्ट्रैटेजी लगा दे तो फिर मुझे पूरी वीडियो बदलनी पड़ेगी सुबह उठ के। तो प्लीज ऑस्ट्रेलिया वालों, कोई ऐसी हरकत मत कर देना। आने दो यार, इंग्लैंड को भी अब ठीक है, देख लेंगे, थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। वैसे रूल के हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड से जानबूझ के भी हारती है तो सिर्फ कैप्टन को ही तो 2 मैच का बैन लगना है। अगर मिचेल मार्श को बैन लगना है तो भाई कैमरन ग्रीन जैसा प्लेयर उसको रिप्लेस करने के लिए, और पैट कमिंस जैसा कैप्टन बैठा हुआ है टीम में, वो भी छोड़ो भाई, मैं ऑस्ट्रेलिया की जगह होता तो एस्टन हेगर या नेथन इलाय में से किसी को कैप्टन बना के भेज देता इस मैच के लिए। फिर लग जाए 2 मैच का बैन, उनको कौन सा खिलाना है हमने, तो कैप्टन नहीं है। खैर, फाइनल टीम बांग्लादेश या नेदरलैंड से कोई आ सकता है ग्रुप डी में से, जो मेरे हिसाब से बांग्लादेश ही होगी। एंड इस हिसाब से अपनी इंडियन टीम का शेड्यूल ऐसा होगा कि हम 20th को अफगानिस्तान को फेस करने वाले हैं, 22nd को बांग्लादेश/नेदरलैंड से किसी एक को फेस कर सकते हैं और 24th को ऑस्ट्रेलिया को फेस करेंगे। बाकी होप करते हैं अपनी टीम के लिए सब कुछ अच्छा जाए आगे और हमारा बस दिल न टूटे। वैसे इन सब के बीच में आरसीबी फैंस के लिए खुशखबरी है कि आरसीबी से भी खराब एक टीम मिल चुकी है, युगांडा की क्रिकेट टीम। 2 बारी रिकॉर्ड तोड़ दिया तुम्हारा 49 का लोएस्ट स्कोर वाला। ओ भाई साहब। मैं मिलता हूँ तुमसे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की प्री वीडियो में, जहाँ पे थोड़ा सा स्क्वाड में चेंजेस डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ होने वाले हुए तो। तुम लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो। भाई सब्सक्राइब कर लो अगर हमारे चैनल पे भी नहीं हो तो, बाकी वीडियो लाइक करना, और नए हो तो पता ना एसी फूका या फिर स्टेबलाइजर फूका, स्मेल आई थी एकदम से फूकने वाली, या पता नहीं कुछ ऐसे, या मेरे से कोई फूक रहा है इस घर में। कुदरत का प्रैंक हमारे यहाँ हो गया है या बिजली का प्रैंक हुआ है। कुदरत के निजाम के भरोसे बैठोगे, वो कहते ना कि अपनी किस्मत के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। लग रहा था पांच
साल तो चल गए स्टेबलाइजर और थोड़ा चल जाए। उसने आज ऐसी वो करी उसने कहा आज नहीं चलेगा, आज नहीं चलेंगे हम। बाकी इंडियन टीम का मुझे लगता है कि अब आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज की विकेट आ जाएंगी तो जो स्पिनर फ्रेंडली है तो मुझे लगता है चहल या कुलदीप में से किसी एक की एंट्री हो सकती है। लेकिन फिर ये सोचने को मजबूर हो जाता हूँ मैं कि यार ऑलरेडी दो स्पिनर हैं टीम में तो क्या टीम करेगी, और करेगी तो मुझे लगता है फिर दो लेफ्ट आर्म है हमारे पास, उनमें से बुला के जैसे कुलदीप का अलग स्टाइल है बॉल डालने का, उसको खिला सकते हैं। मुझे लगता है इंटरेस्टिंग रहेगा क्या टेक होता है। बाकी अब मुझे लगता है कि जो अपने जो है ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इनके साथ छिड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि विकेट जो वेस्ट इंडीज की है इनके मतलब की है, रन भरे हुए हैं तो जितना स्ट्रगल होना था इनकी फॉर्म को लेके वो हो चुका है मेरे हिसाब से। और अब ताबड़तोड़ मैच होंगे और ताबड़तोड़ इंडिया की शुरुआत भी होंगी जिसके लिए हम थोड़े से वो हो गए थे, हताश हो गए थे कि भैया इंडिया की ओपनिंग इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन वो अब आप ये देखना कि जो पिचेस थी न्यूयॉर्क की बहुत बढ़िया लगा मुझे क्योंकि फाइट देखने को मिली दूसरी टीमों के लिए। नो डाउट टारगेट उतने बड़े नहीं बनते थे लेकिन कमजोर टीम का जो ऑप्शन था कि आप बड़े बड़े दिग्गजों को हिला दो अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो। बाकी अब आएगा मजा, सुपर 8 के मैचेस होंगे एंड आई एम श्योर आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। बाय बाय, टेक केयर।